खंडवा जिले के मूंदी पहुंची प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना प्रदान की। मंत्री ने सीएचसी के बीएमओ को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के बिजली बिल देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया, संबल योजना वालों को 200 रुपए बिजली बिल देना होगा। लोगों ने मंत्री से एक सर्व सुविधा 108 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। बता दें कि सोमवार रात वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे एक परिवार के 7 लोगों को आयशर वाहन ने कुचला था। इनमें 3 घायलों की दर्दनाक मौत हुई थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल और बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवादास पटेल प्रभारी मंत्री उनके साथ मौजूद। केंद्र चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, नहीं तो जैसे आप सबकी अपेक्षा है कि ऐसे अस्पतालों को तो बंद कर दो, यदि मुसीबत के वक्त उनका सहयोग और सहारा ना मिलता है। मैं पूरी कठोर समीक्षा करूंगी, हर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा जो इस घटना में लापरवाही करता पाया गया, और जितनी कमियां यहाँ पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखकर उनको शीघ्रातिशीघ्र सबको दूर।